जहां एनडीए में कुछ घटक दल अपनी अपनी मांगे लेकर पहुंच रहे हैं दिल्ली, दूसरी तरफ नतीजे के बाद आईएनडीआई गठबंधन भी सरकार बनाने की कवायद कर रहा है। दिल्ली में आज आईएनडीआई गठबंधन के घटक दलों की बैठक होने वाली है और घटक दलों के नेताओं की ये मीटिंग आज कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाली है। बैठक में सरकार बनाने या विपक्ष में बैठने को लेकर फैसला होगा, क्योंकि इस बार तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 16 सीटों पर विजय हुई है लोकसभा में, वहीं जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी 12 सीटों पर विजय हुई है। तो ऐसे में 16 और 12 सीटें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं, और अगर ये दोनों ही पार्टियां आईएनडीआई गठबंधन को समर्थन देती है तो इनका समर्थन लेने पर बैठक में चर्चा होगी कि अगर टीडीपी और जेडीयू आईएनडीआई गठबंधन के साथ आ जाए और टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए तो क्या ये संभव है कि आईएनडीआई गठबंधन की सरकार बन सकती है। गठबंधन को लेकर आगे की रणनीति आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तय की जाएगी और शाम 4 बजे एनडीए भी इसी पर चर्चा करेगा कि कैसे घटक दलों को अपने पास रखा जाए। क्या सर इंडिया अलायंस ओपन है, एनडीए का जो अलायंस के जो उनके पार्टीज के जो लोग हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो क्या आप लोग उनको कंसीडर करेंगे इंडिया अलायंस के अंदर? आज मेरे कहने सकता हूँ शाम की मीटिंग के बाद हम आपको बता सकते हैं। अजीत पवार की एनसीपी का क्या भविष्य देते हैं सर? सरकार बनाने के प्रयास भी चल रहे हैं, इंडिया अलायंस भी आज बैठक करके कुछ ना कुछ निर्णय निकालेगी, पीएम के चेहरे को लेकर या कोई भी मुख्य चेहरे को लेकर सवाल बरकरार है, वो कौन हो शरद जी मिला कन्वीनर भी सिलेक्टेड इन द मीटिंग टुडे बिकॉज लास्ट टाइम देयर वाज नो कंसेंसस दैट वाज रीच्ड फॉर द इंडिया अलायंस फेस और कन्वीनर, क्या उस पे आज बातचीत हुई?